इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पर सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग दी गई है, जो कि 75% है। हर साल अमेरिका की तरफ से इस तरह के सर्वेज आते हैं जिसमें ये डिसाइड किया जाता है नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर। गवर्नमेंट इज नरेंद्र मोदी, वी हैव अ सिंगल सोर्स ऑफ पावर इन दिस कंट्री, सिंगल विंडो है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वन सिंगल पर्सन। क्या है कि टेररिस्ट चार्जेस लगाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ और फॉरेन गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि ये आदमी जो है ये आपके मुल्क में आके पैसे रेज करता है और वो पैसे टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करता है इधर। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें, वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। तो दोस्तों, ये छोटा सा आपने क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है कि यूएस की प्राइवेट एजेंसियाँ जो सर्वे कराती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को 75% वोट मिले हैं और वो नंबर वन पर रहे हैं, और दूसरे पर शायद मुझे याद नहीं है, कोई मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर रहे, तीसरे पर जर्मनी के रहे, और बहुत नीचे हैं जो बाइडन, शायद उनको 40 या 41% वोट मिले हैं। तो इस तरीके की हालत है, और इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का, जो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है वो आया है। हालांकि ऐसे सर्वे भारत में पहले भी, मतलब इन पर रिएक्शन आ चुके, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में करेंगे बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। लीडर्स की रैंकिंग से रिलेटेड है, लीडर्स की रैंकिंग हुई है और सर्वे के मुताबिक नंबर वन रैंक पर आए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग्स के साथ। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ, दूसरे नंबर पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट आए हैं 63% अप्रूवल रेटिंग के साथ। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ, तीसरे नंबर पर आए हैं इटालियन के प्राइम मिनिस्टर 54% की अप्रूवल रैंकिंग के साथ। चौथे नंबर पर आए हैं ब्राज़ील, और ब्राज़ील जो है 42% अप्रूवल रेटिंग हासिल की है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने। अगर मैं बात करूँ यूएस की, तो यूएस इस वक्त 5th नंबर पर आया है 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ। नंबर वन पे जिस तरह से नरेंद्र मोदी हैं 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ, यूएस को भी पीछे छोड़ चुके हैं। वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज सुपर पावर्स का मुकाबला, उनके लीडर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया और इस पूरी रेटिंग्स में कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं आया, तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? इस रेटिंग में पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है। फर्स्ट रैंकिंग पर नरेंद्र मोदी है सुपर पावर्स को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि पाकिस्तान को ये श्योरिटी थी कि हम कुछ भी करें इंडिया जवाब जरूर देगा। हो सकता है वो जवाब डिस्प्रोपोर्शनेट हो, लेकिन इंडिया कभी ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, वर्ल्ड यूज नहीं करने देगा जी, दुनिया यूज नहीं करने देगी। हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं, अमेरिका बीच में पड़ जाएगा, चाइना बीच में पड़ जाएगा, इंडिया का हाथ रोक लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये पाकिस्तान में थिंकिंग थी, यही थिंकिंग अब इंडिया में आ गई कि एक और मिसाइल छोड़ दो देखते हैं। तो दिस कम, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि द मिलिट्री लीडरशिप हैज सम अदर थिंकिंग एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। डायरेक्शंस इन इंडिया आर पास्ड थ्रू द पार्लियामेंट। The ruling party is the BJP and the head of the government is Narendra Modi. We have a single source of power in this country. Single window hai. Narendra Damodar Das Modi, one single person. Bas, isme, haan, army chief, navy chief, air force chief, zarur meeting mein jaate hain, zarur unse kehte hain ki sir, har saal America ki taraf se is tarah ke surveys aate hain jisme ye decide kiya jata hai Narendra Modi 75% rating ke saath most popular leader of the world करार दिए गए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें, वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें, वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद, तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है, वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए कुछ बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है, तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है।
उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडर लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है, तो वो बेसिकली डिजर्व करता है और होना भी चाहिए। अच्छा, मोस्टली जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है वो उनको जज करती हैं कश्मीर के इशू से, तो आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर उनकी काबिलियत को जज करना ठीक है? देखिए, जो कश्मीर का इशू है ना, वो इशू आजकल के जो एटमी पावर कंट्री हैं इनके दरमियान जो वो इशू रिजॉल्व होगा, वो बेसिकली हम पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो हम यूनाइट ही नहीं है, उसने अपनी नेशन को यूनाइट किया हुआ है। बाकी कश्मीर की बात रही, हमारे पॉलिटिशियन मजहब और कश्मीर पे हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की है, जनरल ज़िया को उठाएं, इमरान खान को उठाएं, शेख रशीद है, कोई भी है, नून लीग है, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर और मजहब पे पॉलिटिक्स करते हैं। इस वक्त इंडिया जिस हद तक तरक्की कर चुका है, आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, उसकी टीम को जाता है। अब इससे पहले जो पॉलिटिशियन थे राहुल गांधी और दूसरे थे, उनके होते हुए इनकी इकोनॉमी का कोई नेम ही नहीं था, अब वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। डेफिनेटली उन्होंने वर्क किया है तो उनको जाता है। नरेंद्र मोदी दुनिया भर के तमाम लीडर्स को छोड़कर दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आए हैं, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट और कामयाबी है उनके लिए? उनके लिए डेफिनेटली ये तो वो फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अचीव किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने एक चाय वाले ढाबे से काम करते हुए पीएम बने, तो अपनी पॉपुलेशन को देखा तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वो उन्होंने लद्दाख में काम किया, उन्होंने कश्मीर में वो इन्वेस्टमेंट लाए, तो उन्होंने बहुत दंगे फसाद हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी 75% के साथ दुनिया में नंबर वन पर हैं, और भारत में अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में अभी तिरंगा यात्रा निकली थी। तिरंगा यात्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही लोगों से बोला था कि निकलना है, और भारत में मेरे हिसाब से अगर उसको एज अ छोटा सा सैम्पल साइज़ देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता का, तो आप समझ सकते हैं कि तिरंगा यात्रा कितनी सक्सेसफुल थी। और तिरंगा यात्रा के पीछे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करने के लिए सारे लोग निकले थे, कई लोगों ने तो डेफिनेटली तिरंगा अपने घर में लगाया था 75 इयर्स से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात सुनकर भी लगाया था। तो उससे आप थोड़ा सा भारत में सर्वे ले सकते हैं और भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि अपोजिशन में कोई लीडर है ही नहीं, जो भी हैं तो वो एनडीए के साथ जुड़े रहे या फिर एनडीए का साथ छोड़कर अपोजिशन का लीडर बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं ऐसे दोगलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सर्वे जो हुआ है ये ग्लोबल स्तर पर हुआ है, ग्लोबल स्तर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी नंबर वन पर आए हैं, सेकंड पर है मैक्सिको, थर्ड पर है जर्मनी, जो बाइडन बहुत नीचे हैं, और समझ सकते हो आप क्या रीज़न है। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत में जो अगला इलेक्शन है 2024 में होगा, 2024 में शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार अपनी स्पीच में बोला था कि मैं 2026 तक भारत का प्रधानमंत्री रहना चाहूँगा। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों बोला था 2024 के बाद, अगर वो अपना पूरा टर्म नहीं कंप्लीट करते हैं शायद वो 75 के ऊपर के हो जाएं, और जो उन्होंने खुद पॉलिसी बनाई है कि 75 के ऊपर पॉलिटिशियन को रिटायर हो जाना चाहिए, तो शायद वो अगर उसका खुद नियम का पालन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने जो नियम बनाए थे खुद पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर फिट रहते हैं तो फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं पता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है, कई बार मुझे पाकिस्तानी पब्लिक फेक लगती है, ऐसा लगता है इनको पहले से बताया जाता है कि आप ये बोलें वो बोलें, इस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर आपको पता है कि इस समय इंडियन यूट्यूब इंडियन टॉपिक को लेकर काफ़ी वीडियोज़ बनाते हैं। आप कॉमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब